नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज और आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। जबलपुर में उखरी चौक स्थित गैलेक्सी अस्पताल में 23 अप्रैल को ऑक्सीजन की आई कमी से 5 मरीजों की मौत हो गई थी। इस घटना में पुलिस ने अस्पताल में भर्ती मरीजों की सही समय पर ऑक्सीजन की व्यवस्था की थी, जिसके चलते कई मरीजों की जान भी बचाई गई थी। इधर घटना के बाद कलेक्टर ने एक उच्च स्तरीय जांच की टीम गठित कर दी थी। 22 दिन बाद हुई एफआईआर दर्ज। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के निर्देश पर गठित हुई टीम ने लाटगंज थाने में प्रतिवेदन दिया, जिसके बाद पुलिस ने अस्पताल के मैनेजर संदीप दुबे और ऑक्सीजन ऑपरेटर रितेश के खिलाफ धारा 304A, 285 और 287 व मध्य प्रदेश उपचार्य गृह संबंधी अधिनियम के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है। लाटगंज पुलिस के मुताबिक जबलपुर CMHO की तरफ से डॉक्टर संजय छुटानी ने FIR दर्ज करवाई है। यह हुआ था हादसा 30 अप्रैल को उखरी चौक स्थित गैलेक्सी अस्पताल में कोरोना वायरस 5 मरीजों की मौत हो गई थी। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि ऑक्सीजन न मिलने के कारण मरीजों की असमय मौत हुई थी। CMHO के नेतृत्व में टीम ने प्रकरण की जांच की, जिसमें पाया गया है कि संदीप दुबे और ऑक्सीजन ऑपरेटर रितेश घटना के समय अस्पताल में मौजूद नहीं थे, इस वजह से यह हादसा हुआ है और घटना को टाला नहीं जा सका। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। गैलेक्सी हॉस्पिटल में जो FIR हुई, क्या कहीं ऊपर FIR हुई? दिनांक 23 अप्रैल 2021 को गैलेक्सी हॉस्पिटल में एक घटना हुई, जिसमें शायद ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। उसमें 5 लोगों की मृत्यु हुई, अत्यंत दुखद घटना थी। उसके बाद मेडिकल के स्तर पर जिला कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में जाँच कराई गई थी, और उस जाँच में हॉस्पिटल के जो ऑक्सीजन ऑपरेटर थे रितेश और हॉस्पिटल के जो असिस्टेंट मैनेजर थे, उन दोनों के विरुद्ध FIR दर्ज की गई है। इनकी लापरवाही रही है, इन्होंने समय पर ध्यान नहीं दिया कि ऑक्सीजन कितनी बची थी और ऑक्सीजन समय पर इन्होंने मंगवाई नहीं। यह ठीक रहा कि हमारी पुलिस ने सराहनीय कार्य किया, पुलिस समय पर पहुँच गई और वहाँ पर और जनहानि को रोका गया। पुलिस ने खुद सिलेंडरों की सप्लाई की। इस लापरवाही को दृष्टिगत रखते हुए हमें कलेक्टर महोदय की एक रिपोर्ट मिली और उसके आधार पर इनके विरुद्ध ज्वलनशील पदार्थों के संबंध में, आग के संबंध में लापरवाही करने पर धारा 285, 287, 304A, IPC के तहत तथा मध्य प्रदेश उपचार गृह अधिनियम के तहत FIR दर्ज की गई है। सर, क्या इनके मालिक के ऊपर FIR हुई है? ये जांच का विषय रहेगा, हम इसमें लीगल राय लेंगे, उसके बाद फिर स्टेप लेंगे। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।